नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के बारे में पहले, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहले व्यक्ति हैं रॉबर्टो अजेवेडो। इन्होंने WTO के महानिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया 31 अगस्त 2020 को। चूँकि महानिदेशक का पद खाली है, इसके लिए अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और जब कोई नया महानिदेशक आ जाएगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है? आगे चलते हैं। शिंजो अबे के बारे में है, जापान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया बीमारी की वजह से, और जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए योशिहिडे सुगा, ठीक है? क्या नाम उनका? योशिहिडे सुगा। आगे चलते हैं, और ये देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं शिंजो अबे। आगे चलते हैं प्रीतम सिंह के बारे में, भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें सिंगापुर की संसद में विपक्ष के नेता के रूप में चयनित किया गया। नाम क्या है? प्रीतम सिंह। किस देश की संसद में? सिंगापुर की संसद में। याद रखना है कि इससे पहले सिंगापुर की संसद में कभी भी विपक्ष के नेता का आधिकारिक रूप से पद नहीं था। आगे चलते हैं जो बिडेन के बारे में। आप देख रहे होंगे कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है, आरओक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, ठीक है? और जो इस समय राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है उसमें एक तरफ है जो बिडेन और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के हैं? तो ये हैं रिपब्लिकन पार्टी के। और जो बिडेन किस पार्टी के हैं? तो ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के रूप में जो बिडेन को नॉमिनेट किया, ठीक है? और जो बिडेन 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं 2009 से 2017 के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। कमला हैरिस, जब जो बिडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट पद का प्रत्याशी नॉमिनेट किया गया, तो उसी समय कमला हैरिस को, जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर हैं, इन्हें राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, आप देखें यहाँ पर जो बिडेन थे इन्होंने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया कमला हैरिस को। कहने का मतलब, डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रेसिडेंट के रूप में जो बिडेन को और कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए प्रत्याशी के रूप में नामांकित किया गया है, ठीक है? याद रखना है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी अश्वेत महिला को किसी पार्टी प्रमुख की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाया गया है। अगर कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट चुनी जाती हैं तो इस पद पर काबिज होने वाली अमेरिका की ये पहली महिला होंगी और देश की पहली भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी, ठीक है? आगे चलते हैं हसन दियाब के बारे में। लेबनान के प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया हसन दियाब ने। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट हुआ था, जिस वजह से जन आक्रोश बहुत ज़्यादा था। इस सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश था, इस वजह से लेबनान के प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। आगे चलते हैं, ली तेंग हुई, ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। IR में आप पढ़ेंगे कि जब चाइना की क्रांति हुई तो एक तरफ माओ थे और दूसरी तरफ थे चियांग काई शेक। तो यहाँ पर जब इस क्रांति में माओ की विजय हुई तो चियांग काई शेक भाग करके फार्मोशा द्वीप चले गए। तो उसी को, जिसे आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम क्या है? फार्मोशा द्वीप। आज भी ये विवाद चल रहा है कि जो ये चाइना, जिसको हम PRC बोलते हैं, और ताइवान, इसमें से कौन वास्तविक चाइना है, ठीक है? तो चाइना कहता है कि यहाँ पर वन चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, ताइवान अलग नहीं है, वो चीन का हिस्सा ही है। तो आप यहाँ पर तनाव भी देख रहे होंगे ताइवान और चाइना के बीच। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और चीज़ें। विलियम किर्क इंग्लिश, इनके बारे में क्या है? ये अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर थे, इनका निधन हो गया। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये माउस के सह आविष्कारक थे। माउस का आविष्कार एंगलबर्ट और किर्क इंग्लिश के द्वारा किया गया था मिल करके, ठीक है? आगे चलते हैं, बोल्कन बोजकिर के बारे में है। बोल्कन बोजकिर, ये संयुक्त राष्ट्र के 75वें अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में इन्हें निर्वाचित किया गया। तुर्की के ये वरिष्ठ राजनयिक हैं बोल्कन बोजकिर। आगे चलते हैं गीता रामजी के बारे में, भारतीय मूल की प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट विषाणु वैज्ञानिक। इनका COVID-19 की वजह से दक्षिण अफ्रीका में निधन हो गया। नाम क्या है? गीता रामजी। आगे चलते हैं, फिलिप वॉरेन एंडरसन, ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं और इनका निधन हो गया 29 मार्च 2020 को, ठीक है? आगे चलते हैं श्रीकांत श्रीनिवासन के बारे में, भारतीय मूल के अमेरिकी न्यायाधीश हैं श्रीकांत श्रीनिवासन। इन्हें अमेरिका के फेडरल सर्किट कोर्ट
के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया श्रीकांत श्रीनिवासन, और इस पद पर पहुंचने वाले दक्षिण एशियाई मूल के ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई, इन्हें रसिया में मॉस्को में भारतीय दूतावास में बतौर सहायक नवल अताशे के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इन्होंने नाम क्या है, कराबी गोगोई। देखिए, जिन देशों के साथ हमारे रक्षा संबंध काफ़ी मजबूत होते हैं वहाँ पर हम आर्मी नेवी और एयरफोर्स की ओर से एक सहायक रखते हैं, अटाचे रखते हैं। ठीक है, जो परामर्श देने का कार्य करता है। ठीक है, इसे विशेषज्ञता हासिल होती है अपने क्षेत्र की। तो इन्हें कराबी गोगोई को भारतीय दूतावास मॉस्को में तैनात किया गया। आगे चलते हैं। माधुरी विजय, प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका, इन्हें क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड से क्यों, द फार फील्ड के जो इन्होंने उपन्यास लिखा, इस उपन्यास के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर यह उपन्यास लिखा गया है, द फार फील्ड। लेखिका कौन है, माधुरी विजय। ठीक है, भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। आगे चलते हैं। कबूस बिन सईद, ये ओमान के सुल्तान थे, इनका निधन हो गया जनवरी 2020 में, और अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान रहे हैं कबूस बिन सईद। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इनके निधन पर भारत ने 13 जनवरी 2020 को एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया था। ठीक है, तो भारत में अगर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की जाती है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके चचेरे भाई हैथम बिन तारिक अल सईद को ओमान के नए सुल्तान के रूप में चुना गया। आगे चलते हैं। मैनुअल मारेरो, ये क्यूबा के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, मैनुअल मारेरो। आगे चलते हैं। डॉक्टर मोनिशा घोष, इन्हें फेडरल संचार आयोग के में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, CTO के पद पे नियुक्त किया गया, और इस पद पर पहुंचने वाली वह पहली महिला हैं, डॉक्टर मोनिशा घोष। आगे चलते हैं। एवो मोरालेस, बोलीविया के राष्ट्रपति पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इनकी जगह पर जीनिन अनेज देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी हैं। क्रिस्टिना लिगार्ड, ये IMF की पूर्व MD रह चुकी हैं, इन्हें ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, क्रिस्टिन लिगार्ड को। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखें तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा के बारे में है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये बुल्गारिया की इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, और ये वर्ल्ड बैंक की CEO रह चुकी हैं, लेकिन इस समय क्या हैं, तो ये IMF की नई MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को IMF के MD के रूप में शपथ लिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में शपथ ग्रहण किया था। आगे चलते हैं। कुछ चर्चित खेल व्यक्तियों के बारे में, जो ऐसे व्यक्ति जो खेल में चर्चित रहे हैं। ब्रायन बंधु कौन है, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, ये टेनिस के दिग्गज जोड़ी रही है, इन्होंने अपने कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा किया। आगे चलते हैं। ड्वेन ब्रेवो, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने, कौन, ड्वेन ब्रेवो। आगे चलते हैं। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज हैं, टेस्ट क्रिकेट मैच में 600 या इससे अधिक विकेट प्राप्त करने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बने, कौन, जेम्स एंडरसन। ठीक है, 600 विकेट हासिल करने वाले, वो भी टेस्ट क्रिकेट मैच में। ठीक है, ये पहले गेंदबाज बनते हैं। चेतन चौहान, ये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1981 में। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल के नाम से ये फेमस हैं, ICC के सभी प्रयासों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया 15 अगस्त 2020 को। हालांकि आपको याद रखना है कि टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 2014 में ही संन्यास ले लिया था टेस्ट क्रिकेट से, बाकी जो प्रारूप थे उनसे संन्यास की बात इन्होंने 15 अगस्त 2020 को कही। ठीक है, इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच कब खेला था, मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था 2014 में, और अपना आखिरी वनडे कब खेला था, तो जब ICC वर्ल्ड कप चल रहा था तो उस समय 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। ठीक है, 38.09 की औसत से इन्होंने 4876 रन बनाए हैं टेस्ट मैचों में। आगे चलते हैं। सबसे उच्चतम स्कोर इनका कितना है, तो 224 है। ठीक है, अब यहाँ पर वनडे क्रिकेट की बात करें तो वनडे क्रिकेट में इनका उच्चतम स्कोर कितना है, 183 नॉट आउट नाबाद रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन्हें मानद उपाधि भी मिली है लेफ्टिनेंट कर्नल की। सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज, इन्होंने भी 16 अगस्त 2020 को
सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन्होंने साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया था। आगे चलते हैं के एन अनंत पद्मनाभन के बारे में। केरल के ये पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इन्हें ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो उसमें जो अंपायर्स होते हैं उनका एक पैनल होता है, उस पैनल में KN पद्मनाभन को शामिल किया गया, KM अनंत पद्मनाभन को शामिल किया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देखें तो लॉरा मार्स के बारे में है, कोई ज़रूरी नहीं। इमरान ख्वाजा, हाँ ये ज़रूरी नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात ICC के अंतरिम चेयरमैन के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। नाम क्या है? इमरान ख्वाजा। क्यों? क्योंकि इस समय जो इंडिया के शशांक मनोहर थे ICC के चेयरमैन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अंतरिम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इमरान ख्वाजा को। आगे चलते हैं अमित पंघाल के बारे में। भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई, इस रैंकिंग में इन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अमित पंघाल प्रथम स्थान करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। आगे चलते हैं बलबीर सिंह सीनियर, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी। इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। आगे चलते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं। वे खेलों से संबंधित पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं वसीम जाफर के बारे में। रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? वसीम जाफर। आगे चलते हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर, कनाडा की महिला फुटबॉलर हैं और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी हैं। कौन? क्रिस्टीन सिंक्लेयर। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या खास बात है? तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के रूप में इन्हें चुना गया है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019। और रानी रामपाल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है। विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के रूप में चुना गया। कौन? रानी रामपाल। आगे चलते हैं आर्मंड डुप्लांटिस, इन्हें पोल्ट वाल्ट स्पर्धा में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया। छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं रोहित शर्मा के बारे में। भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 406 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स किसने लगाया है भारतीय में? तो रोहित शर्मा, ठीक है। रोजर फेडरर के बारे में क्या खास बात है? ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। किस खेल से संबंध इनका? टेनिस से। तो और हैं कहाँ के? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सरकार की आधिकारिक टकसाल स्विस मिंट के द्वारा फेडरर के सम्मान में 20 फ्रैंक मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। रोजर फेडरर पहले ऐसे जीवित स्विस नागरिक हैं जिनके सम्मान में यह सिक्का जारी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दीपक चहर के बारे में। भारतीय तेज गेंदबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैचों में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बने। क्या नाम है? दीपक चहर। अर्थात लगातार इन्होंने 3 विकेट हासिल किया था T20 मैचों में। आगे चलते हैं सौरभ गांगुली के बारे में। तो इन्हें BCCI का 39वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। BCCI के 39वें अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। प्रवीण कुमार, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। मरीका छोड़ सकते हैं। यशस्वी जायसवाल, इनके बारे में देख लीजिए। भारतीय युवा बल्लेबाज लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। कौन? यशस्वी जायसवाल। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? यशस्वी जायसवाल। आगे चलते हैं लियोनेल मेसी, काफ़ी चर्चा में रहे हैं। ये बार्सिलोना के कप्तान और फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले मेसी ने रिकॉर्ड 6ठी बार बैलोन डी ओर अवार्ड जीता, ठीक है। 6ठी बार इन्होंने इस अवार्ड को जीता है लियोनेल मेसी ने, ठीक। आगे चलते हैं और लगातार 3री बार यूरोपियन गोल्डन शू भी इन्होंने जीता है। आगे चलें, इसमें कोई और खास बात? अब चलेंगे हम थोड़ा सा कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में। हाँ, उससे पहले एक दो नाम और है, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर राशिद खान के बारे में। अफगानिस्तान के स्पिन गेंदबाज हैं, आप जानते होंगे, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में कप्तानी करने वाले ये क्रिकेटर हैं, राशिद खान। आगे चलते हैं विराट कोहली के बारे में। टेस्ट क्रिकेट में भारत के सफलतम कप्तान इन्हें माना गया है, विराट कोहली को, ठीक है।
आगे चलें कुछ पुरस्कारों के बारे में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 के बारे में, नीदरलैंड की लेखिका मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड को उनकी पुस्तक द डिसकम्फर्ट ऑफ यूनिंग इनकी लेखिका मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड, हालांकि ये ट्रांसलेटेड है, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और कहाँ की हैं, नीदरलैंड की, इनको इंटरनेशनल मान बुकर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के बारे में है, द कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ये इस अवार्ड को घोषित करती है और इसमें कुछ जो पत्रकार होते हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप देख सकते हैं भारत का हालांकि इसमें कोई नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए। पुलित्जर अवार्ड 2020 के बारे में है, पुलित्जर अवार्ड क्यों दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो 4 मई 2020 को इसे घोषित किया गया। अब आप यहाँ पर देखें तो पत्रकारिता लोक सेवा, इसमें किसको अवार्ड मिला, तो अब इसमें अगर किसी इंडिया की कोई अगर कोई है पत्रकार, अगर उसे कुछ मिलता है तब आपको याद रखने की ज़रूरत है, बाकी आप तो चाहें यहाँ पर छोड़ सकते हैं। हाँ, इस चीज़ को देख लें, साहित्य नाटक और संगीत कथा अर्थात फिक्शन के लिए, तो कार्लसन व्हाइटहेड द्वारा लिखित द निकिल बॉयस को, और नाटक के लिए माइकल आर जैक्सन द्वारा लिखित ए स्ट्रेंज लूप को, ठीक है, ये पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं एबल पुरस्कार 2020 के बारे में है, द नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा संयुक्त रूप से इसराइल के गणितज्ञ, क्या नाम है उनका, हिलेल फुरस्टेनबर्ग और रूसी अमेरिकी गणितज्ञ ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डैन डेविस प्राइस ये किस लिए दिया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और यहाँ पर इसको भूतकालीन आयाम और भी वर्तमानकालीन आयाम, ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं प्रोफेसर गीता सेन भी इसमें शामिल है जो कि कहाँ की हैं, भारत की, ठीक है, लैंगिक समानता से संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोफेसर गीता सेन जो कि हैं भारत की। ठीक, आगे चलते हैं, कोस्टा चिल्ड्रेंस बुक अवार्ड छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिस वर्ल्ड 2019 लंदन में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई थी, ठीक है, तो और यहाँ पर देखें भारतीय मूल की मिस जमैका टोनी एन सिंह ने इस अवार्ड को जीता था, ठीक है, और प्रतियोगिता के प्रथम उपविजेता फ्रांस की ओफेली मेजिनो तथा द्वितीय उपविजेता भारत की सुमन राव रही हैं मिस वर्ल्ड 2019 के बारे में। आगे चलते हैं, 26वां वार्षिक क्रिस्टल अवार्ड छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 हमने पीछे भी देखा था, स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया, अर्थात उस मैगजीन पे इनकी फ़ोटो छापी गई। आगे चलें, सखारोव पुरस्कार 2019 के बारे में है, चीन के उइगर अर्थशास्त्री व मानवाधिकार कार्यकर्ता इल्हाम तोहती को, ठीक है, सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इन्हें अलगाववाद से जुड़े आरोपों में उम्र कैद की सज़ा दी गई है। मिस अर्थ 2019 के बारे में, प्यूर्टोरिको की नेलिस पिमेंटल को, ठीक है, प्यूर्टोरिको कहाँ पर आपको मिलेगा, आप कैरिबियन द्वीप समूह में इसको देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा नेलिस पिमेंटल को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2019 के बारे में है, तो यहाँ पर 4 भारतीय विरासत स्थल को मिला है ये अवार्ड, आप यहाँ देख सकते हैं, विक्रम साराभाई लाइब्रेरी IIM अहमदाबाद, केने सेठ इलियाहू सिनेगोग, अवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च मुंबई और फ्लोरा फाउंटेन मुंबई, ठीक है, तो इन संस्थानों को या जो भारतीय विरासत स्थल हैं इन्हें एशिया पैसिफिक पुरस्कार 2019 सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का ये पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं, द बुकर पुरस्कार 2019 के बारे में है, तो इसमें द प्रसिद्ध कनाडियन लेखिका मार्गरेट एटवुड और ब्रिटिश लेखिका बर्नेडाइन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से दिया गया है मैन बुकर पुरस्कार 2019। आपने देखा होगा आरओ की एग्ज़ाम में उसने डिफेंस एक्सपो 2020 तो पूछा ही, 2019, 2018, 2017 तो इतने पीछे जाकर के भी वो पूछ सकता है, तो करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि हम पिछले 6 महीने या 1 साल की घटनाओं को कवर करें, आप जितना पीछे जा सकते हैं घटनाओं को जोड़ सकते हैं उतना अधिक आप तैयारी करें, ठीक है। आगे चलते हैं, मार्गरेट एटवुड को उनके उपन्यास द टेस्टामेंट के लिए, ये सबसे बुजुर्ग लेखिका हैं जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है,
आगे चलते हैं और बर्नाडाइन एवरिस्टो को उनके उपन्यास गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए यह पुरस्कार मिला है। गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 के बारे में है। किड्स राइट फाउंडेशन, इस फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया किसको? कैमरून की डेविना मलोम और स्वीडन की वाइग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, दो लोगों को ये अवार्ड दिया गया। आगे चलते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में है, इसको भी ग्रेटा थनबर्ग को मिला। और एक दो नाम और हैं यहाँ पर, अमीना तो हैदर और गुओ जियानमई, हालांकि आप छोड़ सकते हैं बाकी नाम। ठीक है, आगे चलते हैं रॉयल सोसाइटी साइंस बुक प्राइस 2019 के बारे में है। तो इस प्राइज़ को ब्रिटिश नारीवादी कार्यकर्ती लेखिका और पत्रकार कैरोलिन क्रियाडो पेरेस को ये अवार्ड मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 के बारे में है। 2019 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वो यह पुरस्कार एक भारतीय सहित कुल 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो भारतीय कौन है? रवीश कुमार, NDTV। ठीक है, रवीश कुमार भारत की ओर से, और बाकी 5 लोग और हैं। कुछ नाम चाहें तो आप याद कर सकते हैं, किम जोंग उन से आप याद रख सकते हैं किम जोंग उन तो उत्तरी कोरिया के हैं। तो किम जोंग की कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया। को स्वे विन ये म्यांमार से हैं, और यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे अंखाना नील पायजीत ये थाईलैंड से हैं। ठीक है, और यहाँ काया बयाब ये फिलीपींस से हैं। एक नाम याद रखिए, रवीश कुमार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें, अब यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में है, लेकिन हम राष्ट्रीय पुरस्कारों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।